अभी तो बस डोरी खुली, आगे पता नहीं क्या क्या। कहाँ जा रही है? मैं आपका इंतजार कर रहा था। नरेन, मैं सारी बेड़ियां तोड़कर आई हूँ, चौथा इम्तिहान भी पूरा करके ही मानूंगी। मैं जानती थी कहीं ना कहीं आज भी मेरा नरेन बिल्कुल वैसा ही है। इम्तिहान के लिए तैयार है आप? क्या आप तैयार है? वन लास्ट वार्निंग, वन लास्ट टाइम। कैमराज चालू है। जानती हूँ, और उन्हें चालू ही रखिएगा। क्या चाहिए तुम सबको? जब तक दी का पता नहीं चल जाता, आप यहां से कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत दर्द दिया ना आपने मेरी दी को, जरा आप भी सहकर देखिए। मैं जानता हूं पूछ, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। तुम पूरी उम्र भी मांगोगी ना तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे एक इजाजत दे दो, मेरी नहीं बन सके। आपको ऐसा क्यों लगा मिस्टर व्यास कि मैं आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड रहूंगी भी? आप अगर अपना सब कुछ गिरवी भी रख देंगे ना तो भी मेरे पर्सनल खर्चे तक नहीं उठा पाएंगे। एनीवे, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, पर जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी यादगार। ये लीजिए तलाकनामा। आज से आपका और मेरा हर हिसाब बराबर है। Anyway, अब मैं चलती हूँ, और वाकई पिछले कुछ दिनों का ये मनोरंजन हमेशा याद रहेगा। मयंक, मेरे आसपास से हर वो चीज हटा दो जो मिसेस कपूर को चोट पहुंचा सके। तू अमर जिन्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। Thank you.
पूछा, अगर एक भी घड़ी नहीं जुड़ी तो एक घंटे के बाद नरेंद्र और सुरभि के फेरे हो रहे होंगे। एंड देन इट विल बी टू लेट। ट्रस्ट मी बेटा, आपका प्लान तो अच्छा है लेकिन लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। पापा, प्यार तो है ही रिस्की। एंड डोंट वरी पापा, ये शादी सिर्फ एक घंटे का तमाशा है। राहुल एंड टीम को लगने दीजिए कि आज उनकी जीत पक्की। बाकी मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये पूजा बहुत चालू चीज है, कोई तो गुल खिलाएगी। तभी तो राहुल, मिस्टर कपूर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बट फाइनली आई एम सो हैप्पी। एक घंटे में फाइनली मुझे उस स्टुपिड बहू से छुटकारा मिलेगा फॉरएवर। और मुझे इस एम्पायर की राजगद्दी। सबको सपने देखने दीजिए मैम, आप बस इतनी कोशिश कीजिएगा कि जब मिस्टर कपूर मुझसे अकेले बात करने आए तो वो मुलाकात इसी कमरे में हो। डन भाभी। लेकिन राहुल और छोटी मामी की नजर होते हुए मिस्टर कपूर आपसे अकेले में मिलने आएंगे क्यों? जेलेसी मयंक, सबकी बस की बात नहीं होती जलन बर्दाश्त कर पाना। नॉट बैड सुरभि, तुम्हारी ये सदा के तो आज सब कायल हो जाएंगे। मिस्टर नरेन व्यास। मिसेस कपूर, सीवी जी, जश्न के दिन गम के घूट। दिस ब्लडी पूजा आज का दिन भी मनहूसियत फैला रखी है। फैलाने दीजिए मनहूसियत बीवी जी, आपके और भाई के फेरों का वक्त आ गया है और इस शुभ मुहूर्त के लिए आपके लिए एक तोहफा, तलाक के कागजात, वो भी मेरे सिग्नेचर्स के साथ। बीवी जी, हमने तो अपना वादा पूरा किया। आप भी ये बात याद रखिएगा कि व्यास एम्पायर की कुर्सी का लाभ सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए। इस घर पर, व्यापार पर, इस परिवार पर, मोटा भाई की कुर्सी पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनकी डेथ की सुबह ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारे बिजनेस, यहाँ तक कि उनकी कुर्सी भी, उन्होंने अपना सब कुछ तेजस्वनी राठौड़ के नाम कर दिया है। मैं जब तक जिंदा हूँ तो इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुश मत होना सोच के कि हम छुटका छुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। उन लोगों को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है। जाके सीधा पुलिस को ही बता दें। ऋषभ जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मीट पृथ्वी। मैं जानती हूँ। रोका मत करो पिता। पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है, ये शादी मत होने दो। जानवी कोई भूत नहीं, उसकी कोई आत्मा नहीं, वो एक इंसान है। तो भूत नहीं एक इंसान है, इस बात की खबर तुम्हारे पति समर को पहले से ही थी। वो असलियत पहले से ही जानता था। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जिया नाम की लड़की के बारे में पता कर। हो सकता है ये जिया नाम की लड़की तुम्हारी चांदी की तरह दिखती हो।
चाची मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे लेके आऊं अपनी महक को। मैं एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट करने आई थी, आज करुणा आंटी का बर्थडे है एंड हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी खुशी में शामिल करने का सोचा, लेकिन हम नहीं आ सकते हैं। वंदना प्लीज प्लीज आ जाओ।